To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. I, M.M. Patel, welcome you to this session. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको एक क्वांटिटी दी गई है। क्वांटिटी है 1000। इस क्वांटिटी को 10 लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली नहीं करना है। किस तरह से करना है? 1000 की क्वांटिटी 10 बच्चों को, 10 लड़कों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि सिर्फ अंक 8, डिजिट 8 का उपयोग हो। यह जरूरी नहीं है कि जो क्वांटिटी आप डिस्ट्रीब्यूट करें होल नंबर में हो, डेसिमल में भी हो सकती है, लेकिन डेसिमल के बाद भी जो अंक आप यूज करेंगे वो होना चाहिए 8। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की पजल्स हम पहले सीख चुके हैं, प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहां एक निवेदन आपसे करूंगा, इस पजल को आप सॉल्व करें होल नंबर लेकर के, डेसिमल यूज नहीं करें, देखें आपको उत्तर मिलता है या नहीं। मुझे लगता है होल नंबर से ये डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं है, इसलिए मैंने एक डेसिमल तक की संख्या ली है। आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में लिख लूं तो एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। आप यदि आंसर देखें तो आप पाएंगे कि पहले डेसिमल में मैंने 8 लिखा है और 0.8 सारे लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि 8 10s are 80। आप कहेंगे 8 5s are 40 भी होता है, तो आप सिर्फ 5 बच्चों को 8 दे सकते थे और 0 ला सकते थे, होल नंबर लाने की पॉसिबिलिटी थी। आप ट्राई कर लीजिए, ये भी संभव नहीं होगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 0.8, 0.8 से शुरू करते हैं, 8 10s are 80, 0 कैरी फॉरवर्ड 8। नेचुरली यूनिट प्लेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे 4 लड़कों को 8 8 8 8, 8 4s are 32 प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड 8 32 प्लस 8 40, यूनिट प्लेस में 0 आया, कैरी फॉरवर्ड 4। टेंस प्लेस में 2 लड़कों को देते हैं 8 8 और 8 16, ब्रॉड फॉरवर्ड 4, 16 प्लस 4 20, टेंस के प्लेस में 0 आया, कैरी फॉरवर्ड 2। 100 के प्लेस में 1 लड़के को देते हैं 8 8 प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड 2 10, 100 प्लेस में 0, 1000 प्लेस में 1, 1000 की क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यदि ये सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता था तो हम 2 डेसिमल से ट्राई करते थे। आपने होल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, ट्राई कीजिए। उसके बाद डेसिमल प्लेस में 5 बच्चों को 0.8 देकर के ट्राई करना चाहिए, सॉल्यूशन मिलता है या नहीं, दैट विल बी योर लर्निंग। आंसर देखने के बाद भी आप वीडियो बंद कीजिए और खुद से पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट कीजिए, लिखिए। यदि प्रोसेस सीखना है तो मैं बार बार रिपीट करता हूं, लिखना बहुत जरूरी है। इसी तरह अपनी लॉजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करते करते हम 501 पजल की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।